तो सारंगर बिलाईगढ़ के नवनियुक्त जिला बीजेपी अध्यक्ष सुभाष जालान ने पार्टी के आम सभा कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरा। शासकीय दफ्तरों कार्यालयों से लेकर पंचायत कार्यालयों सहित कई बड़े अधिकारियों के दफ्तर पर एमएलए कार्यालय खोलकर चंदा वसूलने के बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए। जी जान से एक कर रही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई प्रस्ताव है तो शिक्षा कर्मी प्रस्ताव है। खबर गुरु जी नमस्ते कह रहे, प्रोटोकॉल नहीं जानते कैसे, प्रोटोकॉल वाले कहूं हाथ मिला देते कैसे, तुमको विधायक से मिलने की तमीज नहीं है। अरे भैया, विधायक नहीं राष्ट्रपति बने है और पूरा इलाका के पैसा बारपुर रात है, गांव में पंचायत हो जाते खड़े और एक घरे बात होते। विधायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब चमकाना चाहते, मोनपुर 10 प्रकार के केस बनवाना चाहते। अरे कोई मर के लाल कांग्रेसी पैदा नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ता है जो डीए नहीं है, जो किसी भी सक्षम है किसी भी मामले को निपटने के लिए। ये प्रशासन और खास करके एसडीएम नहीं, ये सब डिविजन एमएलए का कार्यालय बन गया है। एमएलए का कार्यालय एसडीएम का कार्यालय बन गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। एसडीएम साहब आप 2 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन अगर भाजपा की सरकार बनी तो आपके तमाम काले कारनामे को उजागर कर आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। इस मंच के माध्यम से अधिकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाग गए हैं, जनता भाजपा के साथ है, अपना चेहरा और रवैया बदल लो, नहीं तो आप पछताओगे, क्योंकि जनता जिसके साथ होती है प्रशासन को उसके साथ होना पड़ता है।